हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट फोर। बेसिकली आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर हम लोग सोलर कलेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन सोलर कलेक्टर के अंदर कौन कौन से टाइप के हमारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसके बारे में डिटेल में आज के वीडियो में देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोलर कलेक्टर के बारे में। साथ ही साथ आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं इन सारी चीज़ों को बनाने में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर होता क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट किसी सोलर कलेक्टर के अंदर लगे होते हैं। इन सारी चीज़ों को आने वाली स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग सोलर थर्मल एनर्जी को कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेशन है द डिवाइस विच इज यूज टू कलेक्ट सोलर थर्मल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोनिक एनर्जी और नोन एज सोलर कलेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक डिवाइस का यूज करने वाले हैं जो सोलर रेडिएशन जो आ रही होती है इन फॉर्म ऑफ फोटोनिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही होती है, उन्हीं एनर्जी को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोलर कलेक्टर। ठीक है, और उस सोलर कलेक्टर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं इन्हीं के बारे में हम लोग आने वाली स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है, और देख सकते हैं दूसरी डेफिनेशन, अगर सोलर कलेक्टर को बोलें तो होगा अ सोलर कलेक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो जो हमारा सोलर कलेक्टर यहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं वो आपका एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है दैट ट्रांसफॉर्म सोलर रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, आपका जो हीट एक्सचेंजर है वो क्या करेगा, जो भी सोलर रेडिएशन आ रही होती है फोटोनिक एनर्जी के फॉर्म में, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और सेम एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, या आप बोल सकते हो सेम एनर्जी को बैक करेगा उस पर्टिकुलर फ्लूड में जो कि दूसरे ट्यूब में फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसको सोलर कलेक्टर सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा और उस एब्जॉर्ब की हुई रेडिएशन हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा दूसरे पर्टिकुलर ट्यूब में जहां पे आपका फ्लूड फ्लो कर रहा है। सेम फंक्शन होता है हमारा हीट एक्सचेंजर का। ठीक है, तो बेसिकली आपका सोलर कलेक्टर क्या हो गया, एक टाइप का हीट एक्सचेंजर। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे दिख रहा है सन, जहां से हमारा सोलर एनर्जी आ रही है इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, सोलर रेडिएशन आप बोल सकते हो या सोलर एनर्जी आ रहा है आपका इन फॉर्म ऑफ फोटॉन। उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा टी थिकनेस की एब्जॉर्बर प्लेट जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है। ठीक है, टॉप में जो के लिखा है इसका मतलब है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है। ठीक है, और फ्रेंड्स एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर हम लोग लगाते हैं सेलेक्टिव कोटिंग। क्यों लगाते हैं ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स एब्जॉर्बर प्लेट के जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे एक टाइप का हमने बाइंडर लगाया है, और वो बाइंडर किन दोनों चीजों को बाइंड कर रहा है, एक आपकी एब्जॉर्बर प्लेट और दूसरा आपका राइजर ट्यूब। बेसिकली आपको नीचे में जो ट्यूब दिख रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं राइजर ट्यूब, जिसमें हमारा फ्लूड फ्लो करेगा, वो फ्लूड जिसमें हमको थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर करना है। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जो सन से एनर्जी आ रही है उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट, और उस एब्जॉर्बर प्लेट में हमने लगा रखी है सिलेक्टिव कोटिंग। ठीक है, और एब्जॉर्बर प्लेट से हमने एक बाइंडर की हेल्प से राइजर ट्यूब को कनेक्ट कर रखा है, जिस राइजर ट्यूब के अंदर एक फ्लूड फ्लो कर रहा है और उस फ्लूड को हम लोग को हीटिंग करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक ये पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली स्लाइड्स में ये सारी चीज़ें यूज होने वाली है। तो सबसे पहला टर्म है हमारा शॉर्ट वेव और दूसरा टर्म है हमारा लॉन्ग वेव। तो किसे हम लोग शॉर्ट वेव कहेंगे, किसे हम लोग लॉन्ग वेव कहेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलरेडी वीन्स लॉ पढ़ा था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो क्या था हमारा, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती थी, 2898। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब सन से कोई रेडिएशन आ रहा है, या आप बोल सकते हो जो हमारी सोलर एनर्जी आ रही होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसका टेम्परेचर हाई होता है। अब यहाँ पे लैम्डा एम इंटू टी में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो टेम्परेचर की वैल्यू बहुत हाई होगी, और कांस्टेंट आपका ऑलरेडी आपको नोन है 2898, तो वहाँ से जब हम लोग लैम्डा निकालते हैं उसकी वैल्यू कम आती है। ठीक है, तो जो भी हमारी सन से रेडिएशन आती है उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट वेव। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लैम्डा की वैल्यू काफ़ी कम मिलेगी, तो इस पर्टिकुलर टाइप की वेव को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट वेव। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग वेव की। लॉन्ग वेव हम लोग किसे बोलेंगे,
तो जैसा कि हमने शॉर्ट वेव के अंदर देखा था कि जो सन से रेडिएशन आ रहा था उसका टेम्परेचर बहुत हाई था। टेम्परेचर हाई होने के कारण जो हमने विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था वहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ रही है वो काफ़ी कम हो जा रही है, जिस कारण से जो सन से रेडिएशन आ रहा है, जो सन से वेव हमें मिल रही है, उस वेव को हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट वेव। ठीक है, अब वही बात की जाए लॉन्ग वेव की, तो लॉन्ग वेव के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उस पर्टिकुलर टाइप की वेव को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग वेव। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है वो बॉडी आपका कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे है, जब हमने सन से सोलर एनर्जी ली उसको हम लोग ने एब्जॉर्वर प्लेट पे इंसिडेंट किया, या आप बोल सकते हो सोलर रेडिएशन जो आ रहा है वो एब्जॉर्वर प्लेट पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्वर प्लेट से भी कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी एमिट होगी, लेकिन एब्जॉर्वर प्लेट के टेम्परेचर की बात की जाए तो वो सन के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होता है। ठीक है, सन के रिस्पेक्ट में एब्जॉर्वर प्लेट का जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी कम होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्योंकि एब्जॉर्वर प्लेट का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होने वाला है, तो यहाँ से जो रेडिएशन एमिट होगा, जो रेडिएशन एनर्जी यहाँ से निकलेगी वो कैसी वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर रही होगी, लॉन्ग वेवलेंथ को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ में किसी भी टाइप का आप कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, और मैंने नीचे में यही सारी चीज़ें लिखी हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज अ शॉर्ट वेवलेंथ। सिमिलरली फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, और यू कैन से आउटगोइंग वेव इज अ लॉन्ग वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि हमें पता है सन के रिस्पेक्ट में जो अदर बॉडीज होंगी उनका टेम्परेचर काफ़ी कम होगा और वो जो रेडिएशन एमिट कर रही होंगी वो लॉन्ग वेवलेंथ एमिट कर रही होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक सब क्लियर है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग ने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था, जो सन से रेडिएशन आ रहा था, जो हमारी सोलर रेडिएशन एनर्जी आ रही थी फोटोन के फॉर्म में, वो इंसिडेंट हो रही थी हमारी एब्जॉर्वर प्लेट पे, और उसी एब्जॉर्वर प्लेट के बारे में अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सोलर रेडिएशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एब्जॉर्वर प्लेट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्यों हम लोग एब्जॉर्वर प्लेट लगाते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, टू एब्जॉर्व सोलर रेडिएशन फॉलिंग अपॉन इट, जो भी सोलर रेडिएशन इस पर्टिकुलर एब्जॉर्वर प्लेट पे गिर रहा है उसको एब्जॉर्व करने का काम करता है एब्जॉर्वर प्लेट, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर एनर्जी को जो उसने एब्जॉर्व किया है उसको मैक्सिमाइज करते हुए ट्रांसफर करना है उस पर्टिकुलर ट्यूब में जिसमें आपका फ्लूड फ्लो कर रहा है, जिस फ्लूड को आपको हीट करना है। ठीक है, तो यही चीज लिखिए, ट्रांसफर दैट एनर्जी टू फ्लूड फ्लोइंग थ्रू राइजर ट्यूब। ठीक है, और जो ट्यूब थी उसको हम लोग यहाँ पे राइजर ट्यूब बोलते हैं। सिमिलरली हमने एक चीज़ और देखी थी कि यहाँ पे जो हमारी एब्जॉर्वर प्लेट होती है उस पर हम लोग कोटिंग करते हैं। ठीक है, और उस कोटिंग को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव कोटिंग। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेलेक्टिव कोटिंग की, तो सेलेक्टिव कोटिंग अप्लाई करते हैं हम लोग एब्जॉर्वर प्लेट पे, क्यों? क्योंकि जो भी री रेडिएशन लॉसेस होते हैं उसको मिनिमाइज कर सकें। तो फ्रेंड्स अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि री रेडिएशन लॉसेस क्या चीज़ है। तो जैसा कि हम लोग ने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है वो कुछ ना कुछ अमाउंट रेडिएशन का एमिट कर रहा होता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। हम लोग देख रहे हैं कि सन से जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्वर प्लेट पे इंसिडेंट हो रहा है, और एब्जॉर्वर प्लेट पे जैसे ही सोलर रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर इस पर्टिकुलर एब्जॉर्वर प्लेट का इंक्रीज होगा, जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ से भी कुछ ना कुछ रेडिएशन का अमाउंट, या आप बोल सकते हैं कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट हो रही होगी। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर एनर्जी को हम बोल रहे हैं री रेडिएशन, और हम क्या चाहते हैं कि जो भी एनर्जी यहाँ पे इमिट हो वो मिनिमाइज हो सके, वो कम से कम बाहर जा सके। ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि जो भी आप एब्जॉर्वर प्लेट लगा रहे हो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व कर सके, इसीलिए हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेट को बोल रहे हैं एब्जॉर्वर प्लेट। ठीक है, हम चाहते हैं कि सारा का सारा अमाउंट एब्जॉर्व कर सके हमारी एब्जॉर्वर प्लेट, और फ्रेंड्स एब्जॉर्व करने के बाद उसका जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उस कारण से ये किसी भी टाइप का जो री रेडिएशन होता है उसको मिनिमाइज कर सके, उसको कम कर सके। ठीक है, तो हम लोग इस वे में सेलेक्टिव कोटिंग को डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी सेलेक्टिव कोटिंग होनी चाहिए उसकी एब्जॉर्प्टिविटी हाई होनी चाहिए फॉर शॉर्ट वेव, और शॉर्ट वेव हम लोग किसे बोलते हैं, जो सन से रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, तो सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसको हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्व करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्प्टिविटी हाई रखते हैं, और क्योंकि हम चाहते हैं कि सेलेक्टिव कोटिंग से जो रेडिएशन री एमिट हो रहा है, जो वापस बाहर जा रहा है,
वो कम से कम हो, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एमिसिविटी जो कोटिंग की रखते हैं, सिलेक्टिव कोटिंग की, वो लो रखते हैं, ठीक है। और हमें ऑलरेडी पता है कि जो रेडिएशन आपका एब्जॉर्बर प्लेट से बाहर की तरफ जा रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग वेव। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका टेम्परेचर आपका लो रहेगा इन कंपेरिजन विद सन, और क्योंकि टेम्परेचर कम रहेगा तो जो हमारा लैम्डा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हाई हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको लॉन्ग वेव बोलेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग नीचे में देख सकते हो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो है 0.95, सिमिलरली जो हमारी एमिसिविटी है उसकी वैल्यू रहती है 0.05। देखिए, आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको हाई और लो का जो अमाउंट है उसके बारे में आइडिया होना जरूरी है। हाई का मतलब कितना है, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो, और जो हमारा एमिसिविटी की वैल्यू है वो हमें लो रखनी है, तो लो कितना होना चाहिए, अराउंड आपका 0.05, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग रेडिएशन के बारे में देखने वाले हैं, जिस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा हीट ट्रांसफर में, उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में देखो, सबसे टॉप में आपको एस दिख रहा होगा। एस क्या है? बेसिकली सोलर रेडिएशन है जो कि आपका इंसिडेंट हो रहा है एब्जॉर्बर प्लेट पे, ठीक है। और एब्जॉर्बर प्लेट के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एब्जॉर्बर प्लेट का जो एमिसिविटी है वो है एप्साइलन, ठीक है। सिमिलरली बात की जाए एब्जॉर्प्टिविटी की, तो इसकी एब्जॉर्प्टिविटी है अल्फा। सिमिलरली रिफ्लेक्टिविटी हो गई आपकी रो, और ट्रांसमिसिविटी हो गया आपका जीरो, ठीक है। हम मान के यहाँ पे चल रहे हैं कि जो हमारे पास प्लेट है उसकी ट्रांसमिटिविटी, या आप बोल सकते हो जो टाउ है उसकी वैल्यू है जीरो, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग ने ये जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू वन, ये ऑलरेडी हम लोग ने हीट ट्रांसफर में कवर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ हम मान रहे हैं टाउ की वैल्यू जीरो है, तो उसको आप पुट करोगे तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, अल्फा प्लस रो इक्वल टू वन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी एब्जॉर्प्टिविटी है और जो भी आपकी रिफ्लेक्टिविटी है इस पर्टिकुलर प्लेट का, उसका समेशन हो जाएगा वन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फिर से आप लोग डायग्राम में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले सोलर रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट हो रहा है प्लेट पे, और प्लेट का क्योंकि कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिविटी है जिसके कारण से यहाँ पे आपका रो एस जो अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। जो सोलर रेडिएशन एस आपका इंसिडेंट हो रहा है प्लेट में, उसमें से जो रो एस अमाउंट है वो आपका रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। सिमिलरली फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि जो हमारा सोलर रेडिएशन प्लेट पे एमिट हो रहा है उसके कारण से क्या होगा, क्योंकि प्लेट की कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्टिविटी है, एब्जॉर्प्टिविटी होने के कारण ये पर्टिकुलर प्लेट भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, जिसकी वैल्यू है एफ साइलन इंटू ई पी, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जो री रेडिएशन आपका एमिट कर रहा है प्लेट, इस पर्टिकुलर री रेडिएशन को आप क्या बोलोगे, लॉन्ग वेव, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है इस पर्टिकुलर प्लेट का वो काफ़ी कम है इन कंपेरिजन विथ सन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एमिसिव पावर होगा प्लेट का वो क्या होगा, सिग्मा इंटू टी की पावर 4। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको इस डायग्राम में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सबसे पहले जो सोलर रेडिएशन एस है वो, फिर जो हमारा अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है हमारा रो एस, और साथ ही साथ क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेट की कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्टिविटी है जिसके कारण से क्या होगा, ये जो प्लेट है वो भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन री एमिट कर रहा होगा, जिसकी वैल्यू है एफ साइलन इंटू ई पी। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग मुझे ये बताओ, जो हमारा रिफ्लेक्टिव सोलर रेडिएशन है, या आप बोल सकते हो जो हमारा रो एस है, उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो एब्जॉर्बर प्लेट का काम होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो भी हमारा रो एस और जो एप्सिलॉन ई पी वाला अमाउंट होगा वो हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रो एस है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, साथ ही साथ फ्रेंड्स जो हमारा एप्सिलॉन इंटू ई पी है इसकी भी वैल्यू हमारी लो होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एप्सिलॉन ई पी की वैल्यू लो होने के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारा एप्सिलॉन है, या आप जो बोल सकते हो इमिसिविटी उस पर्टिकुलर कोटिंग की, वो हमारी लो होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो, जो हमारा रो एस है उसमें हम लोग रो को लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा। कैसे? तो आप लोग सबसे ऊपर टॉप में देखो, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू वन है, क्योंकि ट्रांसमिसिविटी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे जीरो एज्यूम करके चल रहे हैं, तो अल्फा प्लस रो इक्वल टू वन हो जाएगा, और रो की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो वो आ जाएगी 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं हीट ट्रांसफर में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलरेडी स्लाइड 2 में देखा हुआ है कि जो सोलर एनर्जी हमारी एब्जॉर्बर प्लेट पे इंसिडेंट हो रही थी, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हमको ट्रांसफर करना था राइजर ट्यूब में जो फ्लूड फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब जो हमारा
एब्जॉर्बर प्लेट है और जो हमारी राइजर ट्यूब है उसके बीच में क्या लगा होता था, बाइंडर। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लाइड में, राइजर ट्यूब और बाइंडर के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं राइजर ट्यूब की। तो राइजर ट्यूब का जो फंक्शन होना चाहिए या जो ऑब्जेक्टिव है राइजर ट्यूब का, वो है टू गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम कलेक्टर प्लेट। ठीक है, जो भी हमारी एब्जॉर्बर प्लेट होती है उसमें जितना भी रेडिएशन अमाउंट एमिट हो रहा है, जो भी सोलर एनर्जी वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, उस पर्टिकुलर एनर्जी को ट्रांसफर करना फ्लूड में जो हमारा राइजर ट्यूब से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक राइजर ट्यूब का फंक्शन समझ में आ गया होगा। बेसिकली जो भी एब्जॉर्बर प्लेट पे एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को लेना और उस फ्लूड में पास कर देना जो राइजर ट्यूब से पास हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बाइंडर की। तो फ्रेंड्स हमें ऑलरेडी पता है जो बाइंडर होता है वो कलेक्टर प्लेट और राइजर ट्यूब के बीच में लगा होता है। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जो भी आपकी सोलर रेडिएशन कलेक्टर प्लेट पे इंसिडेंट हो रही है वो सारी की सारी एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो जाए पर्टिकुलर फ्लूड में जो कि राइजर ट्यूब से पास कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि जो बाइंडर हो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी हो कि जितना भी एनर्जी आ रहा है कलेक्टर प्लेट में उसको ट्रांसफर कर सके राइजर ट्यूब के फ्लूड में। और इसलिए यहाँ पे जो बाइंडर की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। आप देख सकते हो शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। साथ ही साथ जो यहाँ पे कन्वेक्शन कॉफिशेंट होगा वो नेचुरल होगा, क्योंकि हम लोग किसी भी टाइप का फोर्स्ड कन्वेक्शन यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, फैन ब्लोवर ये सारी चीज़ों का यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो हमारा बाइंडर हो उसका नेचुरल कन्वेक्शन कॉफिशेंट भी हाई हो। ठीक है, इसी कारण से क्या होगा, जितनी एनर्जी कलेक्टर प्लेट में आ रही होगी वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकती है राइजर ट्यूब के फ्लूड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग बहुत आसानी से एक चीज़ कह सकते हो कि जो हमारा सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर होता है उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करेगी कंपोनेंट्स पे। ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स हमने देखे, जो हमारा कलेक्टर प्लेट था, बाइंडर था, राइजर ट्यूब था, इन सारे के मटेरियल क्या होंगे, इन्हीं सारी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर है वो कितना एफिशिएंट है, कितने अच्छे से अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर डिवाइस होगा वो किस टाइप का होगा। ठीक है, किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे टॉप पे आप देख रहे होंगे सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है कलेक्टर प्लेट पे। ठीक है, और कलेक्टर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको दिख रही होगी सिलेक्टिव कोटिंग। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक चैम्बर के अंदर बंद है। ठीक है, जिसका आउटर साइड है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी सोलर रेडिएशन एनर्जी आ रही है वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर रहे, इससे बाहर ना जा सके। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे सबसे टॉप पे लगी है हमारी ट्रांसपेरेंट कवर। ट्रांसपेरेंट कवर हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो सोलर रेडिएशन आ रहा है वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच सके। तभी पहुंच सकता है जब हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ट्रांसपेरेंट कवर का यूज कर रहे होंगे, नहीं तो जो हमारी सोलर रेडिएशन है उसका मैक्सिमम अमाउंट हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कवर यूज किया है। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग अंदर में ट्यूब देख पा रहे होंगे जिसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंट कवर की। तो नीचे में आप लोग देखो ट्रांसपेरेंट कवर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस री रेडिएशन लॉसेस। एग्जैक्टली सिमिलर है जैसा कि हम लोग ने सिलेक्टिव कोटिंग के लिए पढ़ा था। सिलेक्टिव कोटिंग में भी हम चाह रहे थे कि जितना रेडिएशन सोलर से आ रहा है या सन से जितना रेडिएशन आ रहा है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर सके, या आप बोल सकते हो कि जो भी हमारी शॉर्ट वेव इंसिडेंट हो रही है कलेक्टर प्लेट पे वो सारी की सारी उस कलेक्टर प्लेट में एब्जॉर्ब हो सके। और री रेडिएशन के कारण जो भी हमारी एनर्जी बाहर जाने की कोशिश कर रही होगी इस पर्टिकुलर सिस्टम से उसको बाहर जाने ना दे। ठीक है, तो इसलिए हम ट्रांसपेरेंट कवर में अगर स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, 0 नहीं है, वैल्यू 1 है। क्यों है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो भी री रेडिएट हो रही हैं लॉन्ग वेव्स वो इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर बनी रहे। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ट्रांसपेरेंट कवर है उसमें जो रेड कलर की रे री रेडिएट होकर जा रही थी इस पर्टिकुलर सिस्टम के बाहर, वो वापस इस सिस्टम में लौट के आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी की जो वैल्यू है वो 1 है फॉर ट्रांसपेरेंट कवर। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंट कवर का जो ट्रांसमिसिविटी है टाउ, उसकी भी वैल्यू 1 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ आप चाह रहे हो कि जो भी ट्रांसपेरेंट कवर पे सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है वो सारा का सारा रेडिएशन हमारा एब्जॉर्बर प्लेट पे जा सके, और तभी जा सकेगा जब यहाँ पे
ट्रांसमिसिविटी जो हमारा ट्रांसपेरेंट कवर है उसकी हाईएस्ट हो। सिमिलरली फ्रेंड्स, बात की जाए सिलेक्टिव कोटिंग की, तो सिलेक्टिव कोटिंग को हम लोग को इस वे में डिजाइन करना है कि जितनी भी शॉर्ट वेव आ रही हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके, और जो भी हमारी लॉन्ग वेव इमिट हो रही हैं, या आप बोल सकते हैं जो हमारी री रेडिएशन वेव होती हैं, उसको कम से कम एमिट कर सके। ठीक है, तो क्या करना है, शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब करना है और लॉन्ग वेव को एमिट नहीं होने देना है। ठीक है, सिमिलरली बात की जाए इंसुलेटर की, जो आप बाहर में देख पा रहे होंगे इस सिस्टम में ब्लैक कलर का जो बाहर में कवरिंग है, इसको हम लोग इंसुलेटर बोल रहे हैं। इंसुलेटर का फंक्शन क्या होगा कि किसी भी टाइप का जो रेडिएशन इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जो भी हीट जनरेट हुई है उसको बाहर ना जाने दे। ठीक है, तो इंसुलेटर में आप क्या चाहोगे, लो थर्मल कंडक्टिविटी, साथ ही साथ इस इंसुलेटर में आप चाहोगे कि जो वेट हो पूरे सिस्टम का वो कम हो सके, और वो तभी कम हो सकता है जब आप इंसुलेटर जो यहाँ यूज कर रहे हो उसका वेट कम कर सको। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, बात की जाए मटेरियल की, इंसुलेटर के लिए हम लोग कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, तो बेसिकली ग्लास वूल एंड एस्बेस्टॉस का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और वहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।